पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड T20I नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट जानेंगे इस मैच के बारे में, सारे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन, किसको पिक करना है आपको स्मॉल लीग में, स्मॉल लीग के लिए ट्रंप कार्ड कौन कौन से प्लेयर होंगे। और खास करके मैं बता दूं यार, ये मैच ना आज के दिन का सबसे बड़ा मैच है, अगर ग्रैंड लीग के हिसाब से देखोगे तो 1 करोड़ की मेगा लीगेट है। तो GL की भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा और लॉजिकल पिक कौन कौन से आप प्लेयर को ले सकते हो ग्रैंड लीग में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे मैच के अपडेट यहां पर मिलेगी और बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और इस मैच की जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम होगी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम बात करेंगे इस मैच के बारे में। तो पहला मैच जो खेला गया इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, तो इंग्लैंड ने 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया। तो जिस तरह से हाई स्कोरिंग वेन्यू है आपको नेशनल स्टेडियम कराची, वहाँ पर आप 158 ही रन बना पाई पाकिस्तान की टीम, लगभग सेम टीम जो एशिया कप में खेल रही थी पाकिस्तान की तरफ से वही खेल रही थी। रिजवान आजम को छोड़ करके कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, इफ्तिकार अहमद कुछ अच्छे शॉट लगाए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ल्यूक वुड जो है इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी घातक गेंदबाजी किया था, उन्होंने 3 विकेट निकाले और आदिल रशीद ने 2। वहीं पर अगर चेस की बात करें तो हेल्स कमाल के फॉर्म में दिख रहे हैं, हेल्स ने अच्छी पारी खेली 53 की। इसके बाद हैरी ब्रूक, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, हैरी ब्रूक आपको अच्छे चॉइस हो सकते हैं स्मॉल लीग के लिए ट्रंप कार्ड होंगे, 25 गेंद में 42 रन बनाए, अच्छा रिकॉर्ड है इनका डोमेस्टिक T20 जो भी अभी खेल के आ रहे हैं। तो इस मैच की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्रिएट करेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम। तो चलते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है हम देख लेते हैं। गाइस देखो, अगर हम बात करें इस वेन्यू की तो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो नेचुरल पिच है, टोटल यहां पर 41 मैच खेले गए, 170 बनता है फर्स्ट इनिंग में स्कोर। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम सिर्फ 29 बार जीतती है, यानी कि चेस करना थोड़ा सा यहां पर डिफिकल्ट है। इसके बाद बात करें किसको विकेट ज़्यादा मिलता है, तो 330 वर्सेस 111, यानी कि 75% विकेट आपको पेसर्स ले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पेसर्स इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा क्रूशियल रोल निभाएंगे। तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं इस ग्राउंड पे सबसे टॉप परफॉर्मर कौन है। तो पहला नाम आता है आपको बाबर आजम का, 282 रन बनाए हैं 7 मैच में। बाबर आजम के बारे में बात करें तो एशिया कप से जो फॉर्म गया अभी तक वापस लौट के नहीं आया, तो 7 T20 की मैच है इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान में, तो मौका है बाबर आजम के पास भी अपना फॉर्म वापस लाने का, तो कोशिश रहेगी। पिछला मैच में ठीक ठाक दिख रहे थे लय में, लेकिन आदिल रशीद के सामने बोल्ड हो गए थे, तो इस मैच में परफॉर्मेंस अच्छी आएगी बाबर आजम की। मेरा गट्स कर रहा है कि जो बाबर आजम इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरे प्लेयर रिजवान अच्छे फॉर्म में, स्ट्राइक रेट का लफड़ा है, तो खैर वो अपने टीम के लिए प्रॉब्लम है, फैंटेसी के लिए बेस्ट पिक होंगे मोहम्मद रिजवान, एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में भी 46 गेंद में 68 रन की पारी खेली है। इस वेन्यू पर हैदर अली का भी ठीक ठाक आप बोलोगे रन है, 4 मैच में 110 रन है। आसिफ अली 6 मैच में 71 और इफ्तिकार अहमद 68। तो इफ्तिकार अहमद पहले लास्ट मैच में जो कुछ रन मारे उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ, 68 रन है। तो इसके टॉप अगर प्लेयर की बात करें तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और हैदर अली होने वाले हैं। बॉलिंग की बात करें, इस वेन्यू पे बॉलिंग किसको ज़्यादा अच्छा सूट करता है, तो शादाब खान 8 विकेट लिए 6 मैच में, मोहम्मद वसीम जो कि मोहम्मद वसीम जूनियर इस मैच में अवेलेबल नहीं है, 3 मैच में 8 विकेट। अगर वसीम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आती है तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर, अगर ये खेलते हैं तो स्मॉल लीग के लिए बहुत बड़े पिक होंगे। मोहम्मद नवाज 7 मैच में 7 विकेट, हारिस रऊफ 3 में 4 विकेट और ल्यूक वुड 1 मैच में 3 विकेट इस वेन्यू पे। अब हम बात करते हैं यार हेड टू हेड की, तो पिछले अगर हम 5 मैचों की बात करें तो इंग्लैंड ने 3 मैच जीता है और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैच जीता है। और हेड टू हेड में प्लेयर के स्टैट्स देखें तो हेड टू हेड में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर एक बार फिर बाबर आजम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा रन खेलते हैं बाबर आजम, 8 मैच में 306 रन है। इसका रीज़न ये भी है कि इंग्लैंड के जो आपको उनके डोमेस्टिक T20 चलती है T20 ब्लास्ट, वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं T20 ब्लास्ट में खेलते हैं बाबर आजम। मोहम्मद रिजवान के 274 रन है 8 मैच में। इसके बाद जॉस बटलर 148 रन 8 मैच में, लेकिन जॉस बटलर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मुइन अली और डेविड मलान, तो मुइन अली
तो मस्ट पिक होंगे ही स्मॉल लीग के, क्योंकि बॉलिंग से भी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बैटिंग में भी ठीक ठाक इन्होंने परफॉर्मेंस किया। अगर पिछले मैच की बात करें तो इनको मिला नहीं बैटिंग, एक मिनट में बता रहा हूँ, इसको लास्ट में मतलब मिला था बैटिंग, तो 9 गेंद में 7 रन बनाए थे इन्होंने। डेविड मलान बहुत ही तगड़े प्लेयर है, वन डाउन आएंगे खेलने के लिए और रिसेंट परफॉर्मेंस भी इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी अच्छा है, 6 मैच में 114 है हेड टू हेड में। बॉलिंग की बात करें तो हेड टू हेड में सबसे ऊपर में आपको आदिल रशीद नज़र आएंगे, 14 विकेट लिए हैं 11 मैच में। शादाब खान ने 5 में 8, हारिस रऊफ ने 5 में 7, मोइन अली ने 9 मैच में 7 विकेट और मोहम्मद वसीम ने 4 मैच में 4 विकेट। तो ये तो हेड टू हेड परफॉर्मेंस हो गई। टॉप 5 प्लेयर देख लेते हैं पिछले 5 मैच के कौन रहे पाकिस्तान की तरफ से, तो आप सबको ही पता है मोहम्मद रिजवान के आपको 5 मैच में 329 फैंटेसी पॉइंट है, हारिस रऊफ के 5 में 298, नवाज के 5 में 222, इफ्तिकार अहमद के 5 में 194 और शादाब खान के 3 मैच में 182 फैंटेसी पॉइंट है। ये टॉप 5 परफॉर्मर है आपको पिछले 5 मैच के T20 में। अगर हम बात करें इंग्लैंड की तरफ से तो सबसे ऊपर में नाम आपको मोइन अली का आएगा, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं, 5 मैच में 261 फैंटेसी पॉइंट है। डेविड मलान की बात करें तो मैंने बताया था पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, 5 मैच में 242 रन है। डेविड बिली 3 मैच में 183, रिचर्ड ग्लेसन 4 में 175 और जॉस बटलर 4 में 150। तो डेविड बिली पे थोड़ा सा मुझे डॉट है इसमें को पिक करना ना पिक करना है स्मॉल लीग में, तो चलिए हम टीम क्रिएट करते हैं सीधा इस मैच की, स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की कम्बिनेशन भी आपको बताएंगे। तो स्मॉल लीग की टीम कम्बिनेशन हम सेट करेंगे, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दो और सब्सक्राइब करने में टाइम ही कितना लगता है कर लो फटाक से। तो अब देखो सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करते हैं। देखो इंग्लैंड फेवरेट है, इंग्लैंड इस मैच में भी विन करेगी, वैसे पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर मैच है तो पाकिस्तान भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो यहाँ पर मैं 60-40 लेकर के चलता हूँ, 60% इंग्लैंड विन करेगी, 40% पाकिस्तान विन करेगी, ठीक है। तो हम फेवर में बनाएंगे पाकिस्तान, इंग्लैंड के फेवर में टीम बनाने वाले हैं। देखो जॉस बटलर अवेलेबल है नहीं, मोहम्मद रिजवान मस्ट पिक होंगे आपके लिए। अगर फ्लिप साल्ट की बात करें तो अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, और इधर रिसेंटली अगर 1-2 साल की बात करें तो फ्लिप साल्ट हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, T20 ब्लास्ट हो चाहे बिग बैश हो, हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। तो अगर पहले बैटिंग करती इंग्लैंड की टीम तो फ्लिप साल्ट आपके टीम में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैं मोहम्मद रिजवान के साथ जा रहा हूँ स्मॉल लीग की टीम में। बैटिंग सेशन की बात करें तो बाबर आजम, एलेक्स हेल। एलेक्स हेल क्या है, आपको सिलेक्शन परसेंट देखोगे काफ़ी बेहतर है, 82.26 का अभी सिलेक्शन परसेंट है और जैसे जैसे क्लोज आएगा डेडलाइन तो और इसका बढ़ जाएगा आपको सिलेक्शन परसेंट। लेकिन एलेक्स हेल जो है ना, रिस्क अगर लेते हो, अगर ये जल्दी आउट हुआ तो आप कमाल की विनिंग कर सकते हो, ठीक है। पिछला मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चेस करने वक्त एलेक्स हेल हमेशा से अच्छे खेलते हैं। अगर पहले बैटिंग आई इंग्लैंड की तो एलेक्स हेल को आप ड्रॉप कर देना, नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो फिलहाल हम एलेक्स हेल को पिक करते हैं। डेविड मलान आप पहले बैटिंग करें इंग्लैंड या सेकेंड, तो ये ज़रूर आपके टीम में होने चाहिए। इसके बाद बाबर आजम, एलेक्स हेल को भी फिलहाल मैं पिक किया हूँ, अगर पहले बैटिंग करेगी इंग्लैंड की टीम तो ये ड्रॉप हो जाएंगे। इसके बाद हैरी ब्रुक अच्छे पिक है, आपको खेलने के लिए आएंगे बेन डकट के बाद, अच्छे परफॉर्मर है। अगर चेस करती है इंग्लैंड की टीम तो हैरी ब्रुक को पिक करना, नहीं तो आप ड्रॉप कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 पिक किया है, लिया है बाबर आजम, डेविड मलान, एलेक्स हेल। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, मोइन अली मस्ट पिक होंगे आपके लिए। अगर हम मोइन अली की बात करें तो ये 2 ओवर किए हैं पिछले मैच में, सिर्फ 2 ओवर मिला था, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो नीचे थोड़े आ रहे हैं, तो मोइन अली हो सकता है तो 4 ओवर भी करेंगे, ठीक है। तो मोइन अली मस्ट पिक है। सैम करन की बात करें तो बहुत अच्छा बॉलिंग नहीं रहा था, 4 ओवर में 30 रन दिए थे, 1 विकेट निकाले थे, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग भी कर सकते हैं ये। तो मोइन अली के बाद सैम करन को आपको पिक करना है। नेक्स्ट प्लेयर, आज के मैच में हम डेविड विली को ड्रॉप करेंगे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा पिछले मैच में। अगर हम बात करें बॉलिंग की तो काफ़ी मागे साबित हुए थे, 4 ओवर में 41 रन खर्च किए थे। मोहम्मद नवाज ये पिक आपके लिए मस्ट होंगे। मोहम्मद नवाज क्यों पिक होंगे, क्योंकि फॉर्म भी इनका अच्छा है, साथ साथ देखो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है ना, मैक्सिमम बल्लेबाज स्पिन थोड़ा सा खेलने में प्रॉब्लम होती है उनको। अगर हम पिछले मैच की अगर स्टैट बात करें हम, तो नवाज ने ज़्यादा रन कुछ खास योगदान नहीं दिया था, 4 ही रन बनाए थे। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो नवाज को 4 ओवर कराया गया था और अच्छी बॉलिंग भी करी थी इन्होंने, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन खर्च किए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन सिर्फ 20 रन खर्च करना
पांच के नोमिनेट से, तो मोहम्मद नवाज मस्ट पिक होंगे आपके लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर हारिस रऊफ हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, आदिल रशीद हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, परफॉर्मेंस ग्राउंड पे भी पिछले मैच में अच्छा किया है हारिस रऊफ आदिल रशीद। अब देखो रिचर्ड ग्लेसन को विकेट पिछले मैच में नहीं मिला, रिचर्ड ग्लेसन की अगर हम बात करें तो इनका क्या था स्टैट्स, दो ओवर ही कराए गए इनसे, सिर्फ 13 रन खर्च किए, तो लेकिन अगर इनसे ज़्यादा ओवर कराया जाता तो ये विकेट निकालते, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी रिचर्ड ग्लेसन करते हैं। तो रिचर्ड ग्लेसन मेरे टीम में रहने वाले हैं प्लेयर, रिचर्ड ग्लेसन को आपको पिक जरूर करना है। अगर पाकिस्तान की टीम डिफेंड करेगी यानी कि इंग्लैंड की टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करती है तो उस्मान कादिर आपके टीम में होने चाहिए, ये ध्यान में रखना। उस्मान कादिर और लुक वुड दो प्लेयर आपको मैं दे रहा हूँ, दोनों में से किसी एक के साथ आपको चले जाना, या तो उस्मान कादिर को पिक करो या एलवुड को पिक करो। तो रिचर्ड ग्लेसन एलवुड थोड़े से अच्छे पिक होंगे आपको स्मॉल लीग के लिए, और उस्मान कादिर को भी आप पिक कर सकते हो रिचर्ड ग्लेसन के जगह पर, ठीक है, एलवुड को रहने देना, रिचर्ड ग्लेसन के जगह पर उस्मान कादिर को पिक करना। आप कंटिन्यू करते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं स्मॉल लीग की टीम। तो गाइस ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, 4 मेंबर इससे आराम से खेल सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो देखो मैंने पहले ही बताया एलेक्सएल के बारे में, पहले इंग्लैंड बैटिंग करेगी तो उसको ड्रॉप कर देना। कैप्टन मेरे टीम के कैप्टन रहने वाले हैं बाबर आजम। देखो अब रीजन क्या है, रिजवान आपके मैक्सिमम अपोनेंट के कप्तान रिजवान हो गया, अभी देखोगे रिजवान के कैप्टनसी सिलेक्शन परसेंट तो 28% है, और बाबर आजम की अगर हम बात करें तो सिर्फ 9% है, तो मैं बाबर आजम के साथ कैप्टनसी जाऊंगा, ठीक है, बाबर आजम को कैप्टन करूंगा, और भीसी मैं डेविड मलान के साथ जाऊंगा, बाबर आजम डेविड मलान। टीम प्रीव्यू कर लेते हैं, तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। अब यहाँ पर आप रिजवान को मैंने पिक किया है, एलेक्स हेल, बाबर आजम, डेविड मलान, मोहम्मद मोइन अली, सैम करन, मोहम्मद नवाज, आदिल रशीद, लुकवुड और रिचर्ड ग्लेसन, हारिस रऊफ। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला एलेक्स हेल को अगर ड्रॉप करते हो तो किसको पिक करोगे, तो एलेक्स हेल के जगह दो ऑप्शन आपके लिए आएंगे, या तो बेन डकेट को पिक कर सकते हो, या तो आप पिक कर सकते हो हैरी ब्रुक को, दोनों अच्छे फॉर्म में है, बेन डकेट और हैरी ब्रुक T20 ब्लास्ट वैसे हर जगह खेलते हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो ये तो स्मॉल लीग की टीम हो गई, तो हम सेव कर लेते हैं। ग्रैंड लीग के लिए जो कुछ कुछ प्लेयर है कैप्टन चॉइस हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर पहले इंग्लैंड बॉलिंग करती है तो रिचर्ड ग्लेसन कैप्टन चॉइस हो सकते हैं, ठीक है, और अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है तो शाहनवाज धनी कैप्टन चॉइस, इसके बाद अगर हम बात करें हारिस रऊफ भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर पहले बॉलिंग करती है पाकिस्तान एज ए कैप्टन। अब बैटिंग अगर करती है पहले पाकिस्तान तो मान के चलो अगर पाकिस्तान के फेवर में टीम बनाना चाहते हो तो बाबर आजम आज जीएल में 3 से 4 टीम में कैप्टन ट्राई जरूर करना, आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है। जैसे मान के चलो मैं पाकिस्तान के फेवर में टीम बना रहा हूँ, रिजवान को पिक करने वाला हूँ मैं, बाबर आजम को पिक करूँगा, ठीक है, बाबर आजम के बाद मैं डेविड मलान के साथ जाऊँगा, इसके बाद हैरी ब्रुक के साथ जाऊँगा। यहाँ पर अगर बात करें मोइन अली, सैम करन, मोहम्मद नवाज, इसके बाद यहाँ पर हारिस रऊफ, हारिस रऊफ के बाद नसीम शाह, उस्मान कादिर, इसके बाद यहाँ पर आपको हम पिक करेंगे शाहनवाज दिदानी को। ये मेरी पाकिस्तान के फेवर में टीम है। तो यहाँ पर अगर देखोगे अगर पहले पाकिस्तान बॉलिंग करती है ग्रैंड लीग की कम्बिनेशन इसी हिसाब से आप ट्राई करना सेट करने का, तो कैप्टन अगर पहले बॉलिंग करती है पाकिस्तान की टीम तो कैप्टन का ऑप्शन देखो डिफरेंशियल कैप्टन के ऑप्शन शाहनवाज धनी होंगे, बाकी सब हारिस रऊफ नसीम शाह के साथ सब आएंगे, इसके साथ बहुत कम आएंगे शाहनवाज धनी के साथ। बीसी में रिजवान बाबर आजम दे सकते हो। अगर बैटिंग और लेनी है तो हैदर अली को एक पिक कर सकते हो या शान मसूद को, दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो मोहम्मद नवाज के जगह पर, ये ध्यान में रखना, मोहम्मद नवाज को यहाँ से रिप्लेस कर देना आप, यहाँ पर या तो हैदर अली या शान मसूद को पिक कर देना, दोनों अच्छे मतलब परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं और अच्छे फॉर्म में भी है तो पिक कर सकते हो। तो यार देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की सिलेक्शन मैंने बता दी, अगर और मैं जीएल कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, जीएल की कॉम्बिनेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। मिलते हैं नेक्स्ट मैच एनालिसिस में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेस्ट ऑफ लक, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ वहीं पर अपडेट मिलेगी।